मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने रुपोली विधायक मीना भारती के बेटे की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत दुख है और जितनी भी संवेदना हो कम है मुझे, लेकिन एक बात की समझ नहीं है। यह बात तो है कि मीना भारती जी की बेटे किसी न किसी अनहोनी घटना के शिकार हुए, इसमें कोई दो मत नहीं है, या कि ये ट्रेन से या ऐसा, मैं नहीं मानता। बीमा भारती जी के कारण खुद बेटा ही क्यों ना हो, घटना तो उसके साथ घटी। कहना चाहूँगा हर घटना का राजनीतिकरण औचित्य है। मैं ऐसे चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। पूरे समाज की संवेदना है, जिस तरीके से विपक्ष बेटियों के बलात्कार को भी चुनावी रंग में रंग दिया, घटना की हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी इस घटना की होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि दीपक का गुनाह किया था जिसने इतनी बड़ी घटना कर दी। किसी भी चीजों का बिना जाने बिना समझे हम यदि राजनीतिकरण करते हैं तो ऐसी चीजें सही दुश्मन को पकड़ने में कमजोर, जो मारा है वो बच जाएगा, जो नहीं मारा है वो फंस जाएगा। इसलिए जो मारा है उसको सजा होनी चाहिए, जांच वहां चाहिए। वहीं इस दरमियान उन्होंने मुजफ्फरपुर बाल गृह में बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री से मंत्री मंजू वर्मा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी की। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, तो आप जिसके चलते शर्मिंदा हैं वो आपके अगल बगल में बैठता है, तो आप रिजाइन ले क्यों नहीं रहे? आखिर कारण क्या है कि अभी तक मंत्री रिजाइन नहीं कर रहे? एक तरफ नीतीश कुमार जी आप परसेप्शन के लिए यदि जाने जाते हैं और आपको लगता है खुद भी आपने कभी रिजाइन दिया है, तो आज क्या कारण है कि रिजनेशन अभी तक आपने मंत्री का नहीं लिया और मंत्री नहीं कर एक बार भी अभी तक आकर के नहीं कहा कि मैं मुझ पर जो आरोप, मेरे हस्बैंड पर जो आरोप लगाया जा रहा है वह हम चैलेंज करेंगे और मानहानि का मुकदमा करेंगे, केस करेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हस्बैंड और मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं कंप्लीट रूप से। दूसरा क्या कारण है, जब 7 साल की बच्ची और 9 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची है, तो अभी तक पास्को दफा के तहत केस क्यों नहीं हुआ? 1992 में लालू यादव जी ये एक एक तो ये फोटो है जो दो देख लीजिए आप कैसे हंस रहा है, दूसरा फोटो ये है जो नीतीश जी और सुशील मोदी के साथ वही खड़े हैं, और 92 में ये फोटो देखिए लालू यादव जी जो हाथ पकड़े हुआ है, लालू यादव पकड़े हुआ है, लालू यादव का वो नहीं पकड़ा हुआ, और तीसरा लालू यादव जी के कान में ये बात कर रहा। तो 1992 से ये शुरू है, और लालू यादव जी ने इसको छोटन शुक्ला के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया, और बाद में ये चूंकि बहुत बड़े गैम्बलर निकल गए तो ये फिर अपना जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी शुरू किया और सभी दल के चेहते हो गए। ब्रजेश ठाकुर, बगल में इन्हीं का सोलोटर हाउस है जिसमें 11 लड़की महिलाएं गायब है, 4 बच्ची गायब है, आरा में बच्चों के साथ 7 वहीं के कर्मचारी बलात्कार किया जिसको कोर्ट में कहा गया, बेटा बालिका गिरी के सभी बच्चियां और बच्चे गायब है, भागलपुर अभी 6 सस्पेंड आपने किया ये अभी। तो विपक्ष से मैं सीधा सवाल करता हूँ,
और चुनौती देता हूं विपक्ष, फतुहा में अभिमन्यु यादव का कत्ल कर दिया गया और जब बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा था तो फिर विपक्ष मौन क्यों थे? 1992 से लेकर के अभी तक विपक्ष मौन क्यों थे? और यदि मैं यह मान लूं कि 3 साल से यह यौन शोषण का दौर चल रहा है तो 3 सालों में 2 सरकार बनी, एक सरकार जो 1 साल की है, एक सरकार जो 1 साल पूर्व थी, तो 3 साल में 2 सरकार थी, तो 2 साल में लालू यादव का कुनबा, ये ट्विटर बॉय, ये जो ट्विटर बॉय प्ले बॉय कुनबों को पैदा किए हुए हैं। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका पहला ट्वीट आया कब? बिहार बंद किया जन अधिकार पार्टी, मुजफ्फरपुर बंद किया जन अधिकार पार्टी, लोकसभा में पहला सवाल, और परसों ढीठ की तरह बोल रहे हैं कि राजद ने इस सवाल को उठाया, मैंने तो चुनौती दी है। कोई भी पार्टी आज तक सवाल उठाया हो तो मैं राजनीति से, हम दोनों इस्तीफा देने को तैयार है, कभी राजनीति नहीं करेंगे, अन्यथा राजनीति करना बंद करो, चुनौती स्वीकार करो। आज हमने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसकी मॉनिटरिंग 1 साल के अंदर पूरी इंक्वायरी हो, नेता सफेदपोश पदाधिकारी की इंक्वायरी हो, मधु कहाँ है उसकी इंक्वायरी हो, स्लॉटर हाउस की घटना इससे बड़ी नापाक घटना है उसकी इंक्वायरी हो, एसपीजी ट्रायल हो, अलग कोर्ट का गठन हो और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट देखिए।